जम्मू कश्मीर, नाम सुनते ही आपको ऐशो आराम की जिंदगी, डल झील के किनारे और वादी कश्मीर की सुंदरता और खूबसूरती दिमाग में आती होगी और एक सुखद एहसास महसूस होता होगा। जम्मू कश्मीर तीन खितों से बना है, कश्मीर, जम्मू और लद्दाख। तीनों खितों की खासियत यह है कि हर खित्ते में यानी हर हिस्से में जुबान और सकाफत यानी कल्चर अलग अलग है। कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है, जम्मू में डोगरी बोली जाती है और लद्दाख में लद्दाखी बोली जाती है। और एक और खासियत, कश्मीर में अक्सरियत में मुसलमान है और जम्मू में अक्सरियत में हिंदू है और लद्दाख में बौद्ध और जिनको हम लद्दाखी कहते हैं। और सभी मजहबों के लोग इस राज्य में रहते हैं, हिंदू जिनको कश्मीरी पंडित कहा जाता है, मुसलमान जो अक्सरियत में है, बौद्ध जो लद्दाख में रहते हैं। कश्मीरियत ही सिद्धांत है रहन सहन का, मगर आतंकवाद और देश को बांटने वालों की वजह से कश्मीरी पंडितों को घर बार, जमीन ज़रात, जुबां और सकाफत छोड़ के जम्मू और हिंदुस्तान के और हिस्सों में रहने पर मजबूर होना पड़ा। आज 30 साल होने को आ गए हैं पर अभी भी दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, ये सोच के कि एक दिन जरूर आएगा जब हम अपने घरों को वापस लौटेंगे। सरकारों ने दावे तो बहुत किए, दिखावे भी किए, पर हासिल अभी वो नहीं हुआ जो होना चाहिए था। आइए आज मैं आपको एक कश्मीरी पंडित शरणार्थी कैंप में ले चलता हूं। इस जगह का नाम जगदी है जो जम्मू से लगभग 10 या 12 किलोमीटर की दूरी पर है। एक ऐसी जगह जहां लगभग 6000 से ज्यादा शरणार्थी परिवार रहते हैं जो कश्मीर से विस्थापित हुए हैं। सरकार ने प्रयास तो बहुत किए, चाहे वो केंद्र हो या राज्य की सरकार, प्लानिंग बहुत अच्छी की गई जो दिखने में अच्छी और सटीक लगती है, पर जो ठेकेदार और सरकारी अफसरान हैं उनकी अनदेखी ने बिचौलिए और ठेकेदारों के जेब मालामाल कर दिए। बहुत बड़ा गोरख धंधा बन गया ये क्वार्टर बनाना, जो जरूरतमंद थे उनको क्वार्टर्स मिले ही नहीं, पर रसूख वालों को ये क्वार्टर्स बड़ी ही आसानी से मिले। बहुत सारे मां बाप बुजुर्ग ठगे गए जो हकदार थे इन क्वार्टर्स के, वो आज भी इंतजार में है कि आज नहीं तो कल हमें क्वार्टर मिलेगा। जिनको मिला उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। आइए ले चलता हूं इन क्वार्टर्स के जैसा एक क्वार्टर के अंदर। देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसमें एक कमरा है, एक लॉबी है, बाथरूम है और एक किचन है। ये फैन का रेगुलेटर है जो दिखता अच्छा है पर फैन को मजबूरन एक ही स्पीड पर चलना पड़ता है चाहे मौसम कोई भी हो।
क्योंकि ये पूरी तरह से काम करने के काबिल नहीं है। बिजली के बोर्ड ऐसे हैं जिसमें पूरे घर में केवल दो पॉइंट्स दिए गए हैं। क्या आज के जमाने में इससे काम चल सकता है? प्लास्टर सीमेंट के नाम पर मिट्टी से किया गया जो टपक टपक के नीचे गिरता है। आप खाना खा रहे हैं या आपके मेहमान आपके घर में आए हों तो उनके ऊपर गिरता है। बिजली के बोर्ड हैं पर पॉइंट्स उनमें नहीं है, जो कि आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत है। ये डोरबेल है, शुरू से ही लगी है पर दीवार पर बेजुबान है। कश्मीरी पंडित शंकर भगवान के भक्त हैं। जहां कश्मीर में घरों में मंदिर की जगह अलग होती थी, यहां दरवाजे पर ही टंगे हैं और यहीं से दिन की शुरुआत होती है। शंकर भगवान भी कश्मीरी पंडितों का हाल और मुश्किलों का साक्षी है, पर अभी तक वो भी मदद के लिए सामने नहीं आ पाए। फिर भी हमें भरोसा उन पर ही है। ये बाथरूम है, अच्छी स्पेस है, सामान भी शक्ल सूरत में अच्छा दिखता है, पर सामान बहुत ही खराब क्वालिटी का लगाया गया है। सरकार से पैसे पूरे आ गए हैं मगर ठेकेदारों और बिचौलियों की वजह से 100 रुपए की चीज शायद 10 रुपए की ही लगाई गई है। टाइलें टूटी हैं, दरवाजे बंद नहीं हो पा रहे हैं, प्लास्टर नहाते नहाते आपके ऊपर गिरता है। यह स्विच बोर्ड की हालत है जो इस्तेमाल होने के काबिल नहीं है। यह है कश्मीरी पंडितों के विस्थापन और विस्थापित शिविर की कहानी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपना घर छोड़ के सरकार कितना भी मदद करे, अपना घर अपना ही होता है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी हम अपने घरों को लौट जाएं और एक बार फिर आशियाना बनाएं जो सिर्फ अपना होगा। जमीन अपनी होगी, वतन अपना होगा और आस पड़ोस में वही लोग होंगे जिनके साथ हमारी जिंदगी की शुरुआत हुई थी, और आस पड़ोस में वो अपने भाई बंध होंगे जो साथ मिलके कश्मीरियत को पूरी कर देंगे। धन्यवाद।